बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीज़ाब चैनल के मुअज़्ज़िज़ सामईन, अस्सलामुअलैकुम। अज़वरा स्टॉपिट सर्द अंदाज में उसे वर्न करती निगाहों से देखता बोला था, वो जो बेकाबू होती किसी भी तरह से, बस उसके हाथ से वो इंजेक्शन ले लेना चाहती थी। देखो सांस नहीं आ रही, मैं मर जाऊंगी, ये दे दो। वो उसकी आंखों में देख ही कहाँ रही थी, उसकी निगाहें तो बस मजबूत मर्दाना हाथों में बंद उस इंजेक्शन पर थी, जिसमें उसका सुकून था, उसकी तमाम तकलीफ़ों का इलाज था। आई सेड स्टॉप इट लेडी, वो दबे दबे लफ्ज़ों में धाड़ा था। बाहर पूरा मीडिया एक चटपटी खबर के इंतज़ार में मौजूद था, और ऐसे में उसकी आवाज़ अगर बाहर जाती है या किसी को उसकी कंडीशन से मुतल्लिक फिनक भी पड़ती तो कितना बड़ा मिस क्रिएट हो जाएगा, सिर्फ नू के लिए ही नहीं, खुद उसके लिए भी। मगर इस वक्त उसे किसी चीज़ का होश ही कहाँ था। प्लीज़ मुझे ये दे दो, उसने बेबसी से रोती बिलखती अज़ू को देखा था। नशे के लिए यूँ गिड़गिड़ाती वो उसका दिल चीर रही थी। अज़वरा मेरी बात समझने की कोशिश करें, ये नुकसान देह है, मैं नहीं दे सकता आपको ये, वो उसे अब नरम लहजे में समझाने की कोशिश कर रहा था। नहीं, इससे सब ठीक हो जाता है, ये दे दो, सब ठीक हो जाएगा, फिर वो मुझे नोचेगा भी ना, मुझे महसूस नहीं होगा, मैं जन्नत में चली जाऊंगी। उसके सीने से लगी बोलती वो उसका दिमाग माऊफ कर गई थी। कौन नोचेगा, किसकी बात कर रही थी वो? वो ये सब बताने की कंडीशन में नहीं थी इस वक्त। प्लीज़ मुझे दे दो, और नहीं दे सकते तो मार दो, मुझे मार दो, वो बेज़ुबानी अंदाज में चीखती खुद को नोच रही थी। अज़वरा स्टॉप इट लेडी होश में आए, वो उसे झंझोड़ कर होश में लाने की कोशिश कर रहा था। नू को महसूस हो रहा था कि कोई उसे कन छुरी से आहिस्ता आहिस्ता ज़िबा कर रहा हो, जैसे उसे कभी साल में भी देखेगा, ये तो कभी सोचा ही नहीं था। उसके देखते ही देखते न जाने कहाँ से ब्लेड निकालती आस्तीन के ऊपर से ही अपने हाथों में गहरे कट लगाने लगी थी वो। आर यू मेड लेडी, छोड़े इसे, वो तड़प कर उसके हाथों से ब्लेड लेने की कोशिश कर रहा था। उसके करीब आने पर वो मज़ीद खुद को नुकसान पहुंचा रही थी। आसमानी आस्तीन लम्हों में खून से रंगीन होने लगी थी। मुझे वो दो, उसने जैसे नूर सलान को वार्न किया था कि वो इंजेक्शन उसके हवाले कर दे। मैं दे रहा हूँ आपको इंजेक्शन, आप ये मेरे हाथ में दे रहे हैं। उसके कहने पर उसने अगले ही सेकंड हाथों से दो ब्लेड उसके आगे कर दिए थे। मुझे बस ये दे दो, प्लीज़ दे दो। उसके चेहरे पर तकलीफ़ थी, लेकिन वो इन ज़ख्मों की नहीं थी जो खुद को दे रही थी वो बस उस तलब की थी जो पूरी ना होने पर उसकी जान ले रही थी। वो शिकस्त खुर्दा सी गहरी सांस खारिज करता उसके करीब आया था। नहीं, इंजेक्शन दे दो, उसे खुली निगाहों से देखती वो बुदक कर पीछे हुई थी। साथ ही ब्लेड एक बार फिर अपने हाथों पर फेरने की कोशिश करने लगी थी। नो, डोंट डू डेट लेडी, नू अरसलान ज़िंदगी में पहली बार खुद को इस कदर बेबस महसूस कर रहा था। भल भल बहता खून उसकी जान निकाल रहा था, और वो थी जो तकलीफ़ से बेनियाज खुद को मज़ीद तकलीफ़ पहुँचाने की कोशिश कर रही थी। एहतियात से उसका बाजू थामा था, वो अलर्ट हुई थी। दूसरे हाथ में ब्लेड हनूज थामे हुए थी। मैं दे रहा हूँ इंजेक्शन आपको, ये मुझे दे दें लेडी, उसने इल्तजाइया अंदाज में उससे कहा था। क्या खबर वो उसके हवाले कर दे उसे अपने हाथों से। उसे ये जहर देना पड़े, न जाने कब से वो इस मूजी लत में मुबतला थी। इतनी आसानी से वो ठीक नहीं होती। सब ठीक हो जाएगा, अभी ठीक हो जाएगा, नजरें नू पर जमाए वो खुद को तसल्ली आमेज अल्फाज कह रही थी। प्लीज़, पूरी सुर्ख निगाहों से उसे तकती वो भी तो इल्तजा कर रही थी कि वो ये महलूल उसके अंदर उतार कर उसकी ज़िंदगी आसान कर दे। नू ने सख्ती से आंखें मीची थी, दोनों लब बाहम पेवस्त किए, उसके बाजू में इंजेक्शन दिया था। आँखें शिद्दत जब से सुर्ख अंगारा हो गई थी। क्या खबर थी कि कभी ज़िंदगी इस नहज पर भी ले आएगी। अपने हाथों से ये जहर देना कैसा था, कोई उससे पूछता। उसके चेहरे पर सुकून था, गहरी भूरी आंखों में वहशतनाक सन्नाटा, कमरे में गहरा सुकून छा गया था। नू ने उसे देखा जो उसके सीने से लगी अब होशो हवास खो रही थी। अपनी टाई की नॉट ढीली करता वो उसके करीब होकर उसकी कलाई पर बांधी थी। तुम भी तो छोड़ दोगे मुझे नू अरसलान, फिर से इस जिंदान में छोड़ आओगे, वो बेहोशी में धीमी आवाज़ में कह रही थी। उसके चेहरे पर खौफ के गहरे साए थे। वो उसके सीने से यूं लगी थी जैसे थोड़ी सी भी गिरफ्त ढीली पड़ी तो कभी उसे नू से दूर कर दिया जाएगा। नहीं जाओ मुझे छोड़ के, इसका खुद से दूर होना महसूस करती वो कर्ब से बोली थी। आपके पास ही हूँ, बाहर जो रायता फैला है वो समेट लेने दे लेडी, उसे नरमी से हिसार में लेकर बेड पर
लिटाकर उसने उसके बाजू का जायज़ा लिया था। बांधने की वजह से खून रुक गया था लेकिन कट गहरे थे। साथ ही वो इनकॉन्शियस थी। इस वक्त वो कोट दुरुस्त करता कमरे से बाहर निकला था। सर मैम को ले आओ, सब वेट कर रहे हैं। उनका कैमरे की चकाचौंध रोशनी में फरहीन चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए बोली थी, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो नहीं आ सकेंगी, वो अपने मखसूस अंदाज में बोला था। हैरत से उसकी जानिब देखा था फरहीन ने। सर बस कुछ देर के लिए मैम को ले आए, बहुत बातें बनेंगी, वो किसी मसलहत के तहत बोली थी। वो अच्छी तरह जानती थी इस वक्त अगर ये अनाउंस करेंगे कि दुल्हन नहीं आ रही रिसेप्शन पर तो क्या होगा। उसने लब भींच कर उसकी जानिब देखा था। वो जो और भी कुछ कह रही थी उसकी अंगारा होती निगाहें देखकर सुन रह गई थी। धूप निकलते उसने उसकी जानिब देखा था। मेरी बीवी की तबीयत नहीं ठीक, आप चाहती हैं कि महज लोगों की बातों की वजह से मैं उन्हें इस हाल में उनके सामने उनके सवालों के जवाब के लिए ला खड़ा करूँ, वो संजीदा तासुरात चेहरे पर सजाए बोला था। नू क्या बात है, अजवरा कहाँ है? दारिम से बात करते अख्तर शेरवानी मामले की संगीनी भांपते उनके करीब आए थे। अजवरा की तबीयत ठीक नहीं है, वो बाहर नहीं आ सकेंगी, आप डिनर स्टार्ट करवाएं और इन्हें फारिग करें, वो मेहमानों से भरे हाल पर एक निगाह डालकर बोला था। क्या हुआ है अजूक? दारिम ने किसी अनहोनी के खदशे के तहत उसे देखा था। तुम्हारी दोस्त भी तो आई थी ना तुम्हारे साथ? उसके सवाल को नज़रअंदाज करके वो संजीदगी से बोला था। दारिम ने ना समझी से इशारे से रमशा को बुलाया था। अंदर अजवरा को चेक करें और उनको चेंज करने में हेल्प करें, वो ना समझी से दारिम की जानिब देख रही थी। ऊपर फर्स्ट रूम में दूसरा कमरा है। उसकी आवाज़ एक बार फिर आई थी। डिनर सर्व करवा दिया गया था और नूर सलान की बीवी अपने ही रिसेप्शन पर मौजूद नहीं थी। कितने ही सवाल थे जिनके जवाब वो अपने असली पुरसकून अंदाज में दे रहा था। एक घंटा में मेहमान आधे से भी कम रह गए थे। मीडिया को तो इसने पहली फुर्सत में ही उनके जवाब देकर फारिग किया था। तुम मुझे बताओगे कि क्या हुआ है? जुगो दारिम बेचैनी से उसके करीब आया था। नहीं मैं नहीं, तुम मुझे बताओगे दारिम, उस्मान के अजू को क्या हुआ है? वो लफ्ज़ों पर जोर देते एक उंगली से उसके सीने पर जोर देकर बोला था। अभी मेरी बीवी की हालत इस बात की इजाज़त नहीं दे रही कि मैं तुमसे सवाल जवाब करूं। कल मैं तुम्हारे पास आऊँगा और तुम लफ्ज़ मुझे सच बताओगे। उजवरा कब से ड्रग्स ले रही हैं, क्यों ले रही हैं? वो स्पार्ट लहजे में बोला था। तो क्या वो सब जान गया था? दारिम के चेहरे पर साया सा लहराया। तुमने एक कॉन्ट्रैक्ट की बिना पर उससे निकाह किया, मैं फिर भी तुम्हें सब बताना चाहता था, लेकिन जिस रोज़ तुम निकाह के लिए आए तुमने मेरी कोई बात नहीं सुनी, और उसके बाद अजू ने कहा कि वो नहीं चाहती तुम्हें कुछ पता चले। खुदा के लिए उसे कुछ नहीं कहना, वो न जाने क्या समझ बैठा था। उसकी जानिब देखते वो इल्तिजाया अंदाज में बोल रहा था। वो ड्रग्स लेती हैं, मैं जानता था, नू आहिस्तगी से बोला। दारिम ने अचंभे से उसकी जानिब देखा था। तो क्या वो ड्रग्स की बात कर रहा था? और भी बातें हैं जो तुम नहीं जानते, मैं चाहता हूँ तुम्हें सब बताओ। उस रोज़ अगर तुम मुझे धमका कर नहीं निकाह करते अजू से, या अजू मुझे मना नहीं करती तुम्हें बताने से, तो मैं सब पहले ही बता देता। मैंने ड्रेसिंग कर दी है, इतनी हैवी डोज ली है उसने ड्रग्स की कि मैं कोई और मेडिसिन नहीं दे सकी उसे। रमशा के आने पर वो दोनों खामोश हो गए थे। रमशा की मैं देख लूँ उसे, दारिम ने इजाज़त तलब नज़रों से नू की जानिब देखा था। वो इस बात में सर हिलाता अख्तर शेरवानी की जानिब चल दिया। जो इक्का दुक्का मेहमान बाकी थे वो भी जा रहे थे।